री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और रखता है जो हौसला आसमान को छू लेने की, उसे कभी भी डर नहीं होता है जमीन पे गिर जाने की। कुछ इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली एक महत्वपूर्ण जो है समसामयिक घटना को उद्धृत करते हुए आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, जिससे वह सभी लोग जो अपने जिंदगी में जो है संघर्ष पथ को अपना कर अपनी जिंदगी में कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, और वह अगर महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में जो है समस्याएं हैं, उन्होंने जो है बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़ाई नहीं की, ग्रामीण क्षेत्रों में है उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वह अपने इस तरीके की समस्याओं पर जो है शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि घटना एक ऐसी जो है जहां पर जो है एक ऐसे व्यक्ति ने जो है संघर्ष करके एक ऐसी जो है कहानी और सफलता की कहानी लिख दिया है, जिससे इस तरीके की समस्याएं आप लोगों के लिए जो है छोटी पड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का रीएजुकेशन एकेडमी में जो है स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं जो है पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले के रहने वाले जो है पियासा महलदार के जो है बारे में, उनको मैं बधाई देते हुए शुभकामना भी जो है देता हूँ इस संक्षिप्त सेशन के जो है माध्यम से। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनकी जो है हाइट मात्र 3 फीट की है, यानी कि शारीरिक रूप से बहुत ही विशिष्ट स्थिति है, इनको शारीरिक रूप से बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को जो है जूझते हुए इन्होंने न केवल जो है तैयारी किया उच्चतर शिक्षा में जाने के लिए जो है, बल्कि UGC नेट की जो है परीक्षा जो है इन्होंने 99.31 जो है प्रतिशत अंकों की जो है बेहतरीन स्कोर के साथ जो है पास किया। तो कहना यह है कि इनकी ऊंचाई भले ही शारीरिक रूप से कम है, किंतु इनके जज्बे इतना ज्यादा जो है ऊंचे हैं, इनके सपने इतने ज्यादा जो है बड़े हैं कि इस तरीके की विशिष्ट समस्याएं भी जो है इनको रोक नहीं पाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है, फिर भी वह अपने लक्ष्य के प्रति यदि समर्पित है, उसमें विश्वास है, जज्बा है, ईमानदारी का भाव है, तो वह अपने जो है लक्ष्य को किसी भी तरीके से जो है प्राप्त कर सकता है। और यह कहानी कुछ आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो है संबंधित है कि अगर आप अपने जीवन में जो है जज्बा, मेहनत, ईमानदारी, समझदारी, संवेदनशीलता, अनवरत और अनुशासन के जो है गुण को जो है शामिल करते हैं, तो अपने जीवन में जो है कहीं पर भी और कुछ भी जो है अर्जित करने में जो है आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस तरीके की विशिष्ट समस्याएं शारीरिक रूप से झेलते हुए जो है पियासा जो है महलदार ने जो है परीक्षा में भी जो है समस्या का सामना किया, और एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है परीक्षा लेट करके उन्होंने दिया, और इसके बावजूद भी जो है इतनी बड़ी जो है परीक्षा में जो है उन्होंने इतने अच्छे अंक जो है प्राप्त किए। तो इस तरीके से जो है ये कहानी जो है उन सभी लोगों को जो है समर्पित है जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के जो है समस्याओं से जो जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें इनसे जो प्रेरणा लेने की जरूरत है कि इसके आधार पर भी जो है वह अपने जीवन में जो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, पर मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। यानी कि व्यक्ति जो है कहीं पर भी है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित है, इतिहास में उसकी कैसी स्थिति रही है, कैसी पढ़ाई रही है, ये माने नहीं रखता है। यदि वर्तमान में उसके लक्ष्य निश्चित है, मेहनत ईमानदारी का भाव है, तो वह इसी तरीके से जो है अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जीवन में जो है सफलता के किसी भी लक्ष्य को जो है हासिल कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये संक्षिप्त सेशन जो है पियासा महलदार को जो है बधाई देते हुए, उनके जीवन के लिए जो शुभकामनाएं अर्जित करते हुए आप सभी लोगों को ये संदेश देता है कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने कर्तव्य पथ पर जो है आगे बढ़िए, और यदि इस तरीके से आगे आप बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो है मेहनत और ईमानदारी से किए गए जो प्रयास कभी भी असफल और निष्फल नहीं होते हैं, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इस संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन में पुनः इसी तरीके से कुछ मोटिवेशनल जो है टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।